शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु की सभी प्यारी संतानों, सभी भाइयों और बहनों, आज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था कि अपना भारत स्वर्ग था, भारत सोने की चिड़िया था, भारत में दूध घी की नदियां बहती थीं और वहां के लिए गायन है कि जरी टसर के वस्त्रों के संग रत्नों का श्रृंगार होगा, उत्तम बिहावत आंगन होगा, स्वर्ग हमारा मन भावन होगा। और सबसे बड़ी बात वहाँ है कि देवताओं की तो बात छोड़ो, लेकिन वहाँ शेर गाय भी एक घाट पर पानी पीते हैं। अब प्रश्न यह है कि फिर से ऐसी दुनिया कैसे आए। बात यह है कि ये दुनिया फिर से कैसे आए, जो भारत अपना स्वर्ग था उसके लिए क्या गायन है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। तो कहने का मतलब है कि फिर से हम वो भारत का जो स्वप्न देख रहे हैं उसकी मूल जड़ है कि पहले स्वयं को जानना। आज हम अपने को ही भूल गए हैं, अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। हम इस 5 फुट के शरीर को तो रोज देखते हैं, ये काला है, ये गोरा है, ये अच्छा है, लेकिन मैं कौन हूँ। जिस दिन आत्मा निकल जाती है उस दिन इस शरीर को चाहे कितना खूबसूरत हो कोई भी छूना पसंद नहीं करता है। तो इससे क्या सिद्ध है कि हम अपनी ओरिजिनलिटी को भूल गए कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और इस शरीर रूपी गाड़ी में दिमाग रूपी इंजन के पास बैठकर पूरा काम करती हूँ। जैसे गाड़ी होती है तो गाड़ी चाहे कितनी लंबी हो चौड़ी हो लेकिन ड्राइवर की सीट फिक्स होती है, इसी तरह से इस शरीर रूपी गाड़ी में आत्मा रूपी ड्राइवर दिमाग रूपी इंजन के पास बैठकर सारा काम करता है और सारी वैल्यू आत्मा की है। जैसे कोई बीमार है तो उसके ऊपर 1 लाख रुपया रोज खर्चा करेंगे, लेकिन जिस दिन आत्मा निकल जाएगी तो चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे भतीजा हो, क्या कहेंगे कि फलाने की मिट्टी उठ रही। ये नहीं कहेंगे फलाना पड़ा है, ये कहेंगे मिट्टी उठ रही। तो माना उस शरीर की वैल्यू खत्म हो गई। और जब मुर्दा पड़ा होता है तो उसका मुंह ढांक दिया जाता है, रिश्तेदार आते तो क्या कहते हैं कि भाई मुंह तो दिखा दो। तो माना वो इतना अनवैल्यूएबल हो गया कि वो संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तो ये समझना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मैं ही जो कर्म करती हूँ वही साथ, किसी का शरीर छूट जाता है तो शरीर वहीं पड़ा रह जाता है, लेकिन देह के रिश्तेदार जो हैं वो शमशान तक छोड़े जाते हैं, लेकिन जब आत्मा जाती है तो वो अकेली जाती है। और अपने साथ क्या लेके जाती है, लोग बातचीत में कह देते हैं कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाना, ऐसा नहीं है। हम जो पूरे जीवन में सुबह से लेके शाम तक कर्म करते हैं वो हमारी रिकॉर्डिंग भरती चली जाती है। जैसे टेप में कोई गीत गाए, अच्छा गाए, बेसुरा गाए, वो भर जाएगा और फिर जब दोबारा हम स्विच ऑन करेंगे तो वैसा ही बजेगा। इसी तरह से आत्मा के कर्मों का खेल ऐसा है कि हम जो अपना रिकॉर्ड भर लेते हैं वो फिर उसी अनुसार हमारी रील खुलती है। इसका एक उदाहरण और है, जैसे कोई बच्चा बहुत गरीब घर में जन्म लेता है और कोई बच्चा बहुत अमीर घर में जन्म लेता है, लेकिन जिस बच्चे ने गरीब घर में जन्म लिया उसने जन्म लेते ही कोई पाप नहीं किया और जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया उसने कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? हमारे ही कर्मों का खेल।
तो माना कहने का मतलब है कि मैं आत्मा हूँ, मैं जैसा कर्म करती हूँ वैसा मुझे फल मिलता है। और आत्मा इतनी सूक्ष्म है जो दिखाई नहीं देती। आप देखो जिस समय डेथ होती है सब बैठे रहते हैं और कहते कुछ नहीं रहा। माँ के गर्भ में पिंड तैयार होता, कैसे आत्मा प्रवेश कर जाती है माँ को भी नहीं मालूम पड़ता। तो माना आत्मा सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो संकल्प चलता है वो भी हमारे कर्मों के अनुसार भरता चला जाता है। तो जीवन में कोई दुख नहीं चाहता, हर इंसान सुख चाहता है। यहाँ तक कि रात में अगर हम कोई स्वप्न खराब देखते हैं तो भी मन परेशान हो जाता है। तो अगर हम सुख चाहते हैं तो हमें इस बात को कर्म ही हमारी साथ परछाई की तरह चलता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसी अनुसार हमारे आगे वैसी परिस्थिति आती है। फिर आत्मा ज्योतिबिंदु है। तो अब भगवान के विषय में लोग आज भ्रमित हैं कि आत्मा का पिता कौन है। अब बहुत सारे भगवान मान बैठे हैं, सोमवार आएगा तो शिव जी की पूजा करेंगे, तो मंगल आया हनुमान जी पूजेंगे, तो बृहस्पति आया काला पूजा करेंगे। लेकिन गॉड इज वन, गॉड इज नॉट मेल एंड फीमेल। परमात्मा एक है और ना वो मेल है ना फीमेल है। क्यों? अगर मेल और फीमेल होता तो हम उसको माता पिता दोनों रूप से इंगित नहीं कर सकते थे। हम भगवान के आगे कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो वो है हमारा सबका माता पिता और उसका नाम है ही सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ पर हमारे आपके नाम गुणों के आधार पर नहीं होते। जैसे किसी का नाम विश्वनाथ है तो सारे जगत का नाथ नहीं होगा, लेकिन परमात्मा को कहते हैं विश्वनाथ तो सारे जगत का पिता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। जैसे एक पिता के चार बच्चे हैं, एक कहता पापा, एक कहता डैडी, एक कहता बाबूजी, लेकिन बाप वही है। तो इसी तरह से हिंदू लोग कहते हैं भगवान को परमात्मा और मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह और इंग्लिश मैन कहते हैं गॉड। तो माना सारे जगत का माता पिता वो एक है। मान लें कि हमारा माता पिता है तो माता पिता से क्या मिलता है? प्रॉपर्टी, खजाना। तो अपना पिता है वो गुणों का भंडार है, उसको कहते हैं शांति का सागर, आनंद का सागर। तो आज संसार में सारे सुख हैं, साइंस ने बहुत उन्नति कर ली, लेकिन मन की शांति नहीं है। मन की शांति केवल एक परमात्मा से ही मिल सकती है। जैसे गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर है तो वो गाड़ी चलाएगा तो पेट्रोल डालेगा, लेकिन अगर उसको भूख लगेगी तो पेट्रोल नहीं पिएगा, उसको भोजन ना लगे। इसी तरह से हम शरीर को तो खाना पानी देते हैं, वो शरीर का भोजन है, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? सत्संग। कि जब हम अपना सत पिता के साथ मन लगाते हैं तो हमारा हमको सफलता मिलती है, हमको शांति मिलती है। अब प्रश्न ये है कि लगाएं कैसे। तो उसके साथ मन लगाने के लिए पहले चाहिए निश्चय। तो माँ बनकर के हमारे पापों को काटता है, जैसे माँ होती है अपने बच्चे की गंदगी को साफ करती है। तो परमात्मा भी हमारे पाप हमने करे हैं, लेकिन वो हमारे पापों से हमको मुक्त कर देता है। फिर पिता के संबंध से वो हमें स्वर्ग की राजाई देता है। और टीचर के संबंध से क्या कहता है? हम लोग कहते रहे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लेकिन ज्ञान मिला नहीं। लेकिन जब स्वयं परमपिता परमात्मा यदा यदा धर्म से गिलानी अपने वचन के अनुसार आता है तो ज्ञान मिलता है, सच्चा ज्ञान मिलता। और फिर वो हमारा सतगुरु है।
तो सतगुरु ये काम है सदगति करना, तो वो हमको इस नरक की दुनिया से निकाल के और स्वर्ग की दुनिया में ले जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो हमारा साजन भी है। कैसे? हम लोग रोज कहते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो जैसे कन्या की शादी होती है तो चमड़ी सजाई जाती है, बढ़िया जेवर बढ़िया कपड़े पहनाए जाते हैं, लेकिन भगवान क्या कहता है कि बच्चे तुम मेरे सजनी हो मैं साजन हूँ, तो तुम अपना दैवी गुणों से श्रृंगार करो और दैवी गुणों की जो शक्ति है वो मेरे से लो, तो तुम क्या बन जाओगे, तुम माला माल बन जाओगे। तो माना भगवान हमारे सर्व संबंध निभाता है। सर्वशक्तिवान लोग समझते हैं शायद कोई मरे आदमी को जिंदा कर देता होगा या किसी की लॉटरी दिला देता होगा, लेकिन भगवान का ये काम नहीं है। भगवान माँ पिता सतगुरु टीचर सब संबंध से हमारी पालना करता है। तो अगर हम परमात्मा का परिचय सही तरह से अपनी बुद्धि में बिठा ले तो ये शिकायत खत्म हो जाए कि क्या करें भगवान में मन नहीं लगता है। अरे वो हमारा अपना है और उसी के लिए हम कहें हमारा मन नहीं लगता है। आप देखो जब कोई परेशानी होती है या अंत का समय होता है तो ये कोई नहीं कहता है कि तुम तिजोरी याद करो बाल बच्चे याद करो, सब क्या कहते भगवान को याद करो। तो माना हम अपने जीवन में ये गांठ बांध लें कि परमात्मा हमारा सच्चा साथी है, वो प्राणों का पिता है, अगर हम उसे याद करते रहेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति।